का स्वभाव है स्थिरता, वो जिस हृदय में आता है उसको स्थिरता प्रदान करता है, उसको उसको उसका गुण धर्म है गरिमा गांभीर्य। श्री प्रिया जी के लिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं ना कि प्रिया जी की बोलन ऐसी है कि प्रिया जी का हृदय ऐसा है, उनका प्रेम भाव ऐसा है कि उमड़े जो मर्जाद तज कापे रोके हो जाए। श्री प्रिया जी अगर बोल दें, एक बड़ी सुंदर लीला स्मरण आ रही है कि निभृत निकुंज में एक दिन संध्या समय श्री स्वामिनी जी के मन में इच्छा हुई कि प्यारे चलो लुका छिपी को खेल खेलेंगे। बड़ा बृहद सा विशाल हरा भरा मैदान, छिपने की कोई ठौर नहीं दिखाई पड़ रही, पर स्वामिनी जी की इच्छा है आज्ञा है और प्रियतम तो सेवक हैं। जैसी आज्ञा स्वामिनी की, आदि सखी प्रिया जी की ओर आदि लाल जी की ओर, तो प्यारे पहले आप छिपो, पहले आप दूर जाओ, हम आपको ढूंढेंगे और फिर आप ढूंढियो। लालजी और लालजी की ओर की जितनी सब सहचरियां थी सब लालजी का ही स्वरूप हो गई, सब एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रिया जी को खोजना है कि इनमें से प्रियतम कौन है। बहुत अधिक विलंब नहीं किया आप स्वामिनी जी ने, एक एक सखी के किसी के कपोल का स्पर्श करती हैं, किसी के कर कमल का स्पर्श करती हैं और एक ठौर पर आकर रुक गई, प्रियतम को निकाला और अपने हृदय से लगा लिया। प्रियतम बड़े आश्चर्य में कि प्यारी आपने मुझे कैसे पहचान लियो। प्रिया जी ने कहा कि प्यारे ये बात तो अब बाद में देखी जाएगी, पहले नेक आप ढूंढ लो। प्रिया जी और प्रिया जी की ओर की सब सहचरियां छिपी कैसे, लाल जी ने आंख बंद की और जब खोला तो देखा सामने मोगरे की कलियों के असंख्य ढेर पड़े हैं। लाल जी एक एक ढेर के पास जाते हैं, विलंब हो गया, एक ढेर के पास लाल जी आए और बोले प्यारी जू आपने एक बाहर आ जाओ। श्री प्रिया जी बाहर आ गई। प्रिया जी ने कहा प्यारे तुमने कैसे ढूंढ लियो। श्री ठाकुर जी की आंखों से अश्रु आ गए, बोले स्वामी जू जी तो आपके ही स्वरूप को प्रताप है कि आपकी समस्त सखियां जिन मोगरे के कल्याण के ढेर में छिपी वो सब तो कली की कली रह गई और ये ढेर कलियन से फूल बन गए, ये सब आपके आपके ही स्वरूप को प्रताप है, मैंने कछु ना किया। ये वृंदावन की विलक्षणता है कि मन की कली खिलकर फूल बन जाती है, उसको वो उमंग, उसको वो तुरंग, वो उल्लास, वो आह्लाद मिलता है। मैं तो अनुभव करता हूं कि अनधिकारी व्यक्ति भी जाता है वृंदावन तो किंचित छीटा तो उस पर भी पड़ जाता है। और आपको और मुझे तो अपने सौभाग्य से न सही, इनकी कृपा से इस रस के आस्वादन का अधिकार मिला है, जिसको श्री हरिवंश नाम मिला। श्री नागरीदास जी कहते हैं जिनके श्री हरिवंश सहायक तेई सजन भजन अधिकारी, बोले उसको तो अधिकार मिला मानो इस रस का आलोढ़न करने का, इस रस में निमज्जन करने का, इस रस का आस्वादन करने का। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं सतर्यति सतर्यति सलोकांश तारयति, भक्त जो होता है बोले वो आप भी तरता है और सबको तार देता है। तो रसिक क्या है, वो खुद भी रस में निमज्जन करता है और उसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निकलता है जो उसके निकट जाता है उसको भी रस स्पर्श करता है। देने में बड़ा सुख है, बड़ा अद्भुत सुख है और ये जीव का भाग्य नहीं है कि वो उस देने को प्राप्त कर सके अपने प्रयास से। गोस्वामी विठल नाथ जी कहते हैं कि हे गोकुलेश आपकी कृपा का एकमात्र हेतु है वो दैन्य है, और मैं जितना प्रयास करता हूं उतना इस भाव से दूर होता चला जाता हूं। क्या करूं, आपके श्री चरणारविंद का अवलंब है, झुकने में बड़ा सुख है। कई बार एकांत में बैठता हूं तो चिंतन करता हूं, अगर निष्पक्ष चिंतन हो तो, कि जब कोई सामने साष्टांग दंडवत करता है, जब कोई आपके नाम का जय घोष करता है, हो सकता है कि आपका गर्व पुष्ट हो जाए, आपका मान अभिमान पुष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा को कोई सुख नहीं है उसमें। किसी को अपने सामने झुकाने में आत्मा को कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि जीव का सहज स्वरूप क्या है, जीव प्रभु का नित्य दास है, और जब वो अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है, अपने स्व में स्थित होता है,
ऐसे हम किसी से पूछते हैं ना, आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो हम कहते हैं हाँ स्वस्थ हैं। पर स्वस्थ का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ माने जो अपने स्व में स्थित है, जो अपने निज स्वरूप में स्थित हो गया है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, सेवक तिन दासन को दास। यदि आपके स्वभाव में ये भाव आ गया है कि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुई, तब आप स्वस्थ हैं, नहीं तो आप अस्वस्थ हैं। और अस्वस्थ व्यक्ति को आवश्यकता है चिकित्सा की, और रसिक जनों का संग इस रोग की चिकित्सा है। इसीलिए या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हो, सो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन रात। सेवक जी के आविर्भूत होने का और श्री दामोदर दास जी को सेवक कहने का अभिप्राय ही केवल इतना है, उद्देश्य ही केवल इतना है कि सेवक होकर ये रस पाया जा सकता है, स्वामी होकर नहीं। सकल लोक चूड़ामणि भी जब रस चाहता है तो यत किंकिरी शुभौषय खलु काकुमाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। श्री श्याम सुंदर को इसमें सुख मिलता है, प्रिया जी की किंकरियों के चरणों की स्तुति करने में प्रियतम सुख मानते हैं। वंदौ श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो शाम। प्रीतम को सुख मिलता है। एक श्लोक महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं कि प्रियतम दांतों में तृण दबाकर मेरे चरणों में गिरकर मेरी चाटुकारी करते हैं। स्वामिनी आप मान किए बैठी हैं, आप मानती नहीं। प्रियतम अपने हृदय का उद्वेग मेरे चरणों में निवेदन करते हैं, मैं आपको कैसे मनाऊं, कैसे प्रियतम की वो दशा आपके श्री चरणों में निवेदन करूं। लेकिन प्रियतम को उसमें सुख है। सहचरी निषेध नहीं करती, क्यों? क्योंकि 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 तत्सुख सुखित्व का उत्कर्ष यही प्रकट होता है कि सहचरी जानती है कि प्रियतम को मेरे चरणों की स्तुति करने में सुख मिल रहा है। इसीलिए किसी अपराध का, किसी अवज्ञा या अवहेलना का विचार किए बिना सहचरी आज्ञा दे देती है श्याम सुंदर को कि प्रियतम इसमें सुख पाते हो तो ऐसा ही करो। क्या होता है, मैं कहीं मंच से उतर के जाओ तो कितना भी निषेध करो कि आप लोग पांव नहीं छूना, और ये मानव मन की वृत्ति है। आप एक मकान के बाहर टांग दीजिए, यहां झांकना मना है, आपको आता जाता प्रत्येक व्यक्ति वहीं झांकता मिलेगा। ये मानव मन की सहज वृत्ति है। तो लेकिन इसमें कोई सार की बात नहीं है। साधक के अंदर ये गरिमा, ये मर्यादा होनी चाहिए। अगर कोई चाहे कि आप उसका चरण स्पर्श करें, आपको तभी करना चाहिए। और वैसे भी शास्त्र तो कहता है कि गुरुजनों के चरण स्पर्श करने की मर्यादा केवल इतनी है कि गुरु के पांव का जो अंगुष्ठ है उसका स्पर्श आपके मस्तक पर होना चाहिए, बस इससे अधिक नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, डेडिकेशन अर्थात भाव, समर्पण प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिवोशन। आपके भाव में मर्यादा का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता एक बात है, निश्चित रूप से धर्म स्वतंत्रता प्रदान करता है, वैचारिक स्वतंत्रता, व्यवहारिक स्वतंत्रता, परंतु स्वतंत्रता में और उच्छृंखलता में भेद है। प्रिया जी पर, प्रिया जी के हृदय पर पूर्ण अधिकार होते हुए भी सहचरियां अपनी मर्यादा नहीं भूलती। कितनी सुंदर बात महाप्रभु कहते हैं, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, यदि स्नेहाद राधे दिशसि रति लामपट्ट पदवी। यदि स्नेह के वशीभूत होकर प्रिया जी मुझे अपने प्रियतम को दान कर दें, प्रियतम मुझे आलिंगन करें, मुझे परम प्रेम रस का दान करने लगे, तब भी हे श्री राधे मेरा मन तो आपके ही श्री चरणारविंद का स्मरण करता रहे।
कवई श्री राधे पद रस विलासे मम मन, आपके ही पद रस के विलास में मेरा मन लहे, आपके श्री चरणारविंद को नहीं भूलूं। और यहां तो संसार में 2-5 करोड़ हाथ में आ जाए, सामान सम्मान कुछ भी थोड़ा सा हाथ में आए तो व्यक्ति भगवान को अपनी जेब में लिए डोलता है। पात्रता इतनी है, इससे अधिक पा नहीं सकता। संत कृपा करते हैं, आचार्य कृपा करते हैं, गुरु की कृपा होती है तो ये पात्रता आती है। तो श्री सेवक जी के प्रकट होने का, सेवक स्वरूप के प्रकट होने का यही अभिप्राय है, यही उद्देश्य है इस रूप के प्राकट्य का, कि सेवक होकर। कितना सुंदर दैन्य महाप्रभु की वाणी में है। महाप्रभु कहते हैं, हालांकि श्री महाप्रभु जैसा प्रिया जी के स्वरूप का, प्रिया जी के रस का अधिकारी और कौन है। नाभा जी भी कहते हैं कि सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। एक होता है कृपा पात्र, जिसको देने वाला कृपा से देता है, एक होता है अधिकारी जो अपने अधिकार से वस्तु प्राप्त करता है। बालक को पिता की जो संपत्ति मिलती है वो कृपा से नहीं मिलती, वो उसका उत्तराधिकार है। तो श्री महाप्रभु जी के लिए नाभा जी कहते हैं सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। बोले आप तो अधिकारी हैं, जिसे चाहे वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसे चाहे समर्थ बना सकते हैं। व्यास जी तो अद्भुत बात कह देते हैं, बोले हुतो रस रसिकन को आधार। आप रस भी हैं, आप रसिक भी हैं, और आप रस और रसिक दोनों का आधार भी हैं। व्यास एक कुल कुमुद बंधुबिन उड़गन झूठो थार। और महाप्रभु का कैसा दैन्य है कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। सुन मेरो बचन छबीली राधा, सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा, ते पायो रस सिंधु राधा, ते पायो रस सिंधु राधा। सुन मेरो बचन छबीली राधा, सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा।
हृदय का आभूषण है, यह प्रेमी के हृदय को आभूषित करता है, यह पात्रता है प्रेम रस को धारण करने की, कि समर्थ होते हुए भी। अच्छा, एक और बात कि जब श्री कृष्ण, जब श्याम सुंदर, जब रसघन मोहन मूर्ति प्रिया जी के श्री चरणारविंद में अपना मस्तक रखते हैं, महाप्रभु एक श्लोक कहते हैं, दूरे सृष्ट्यादिवार्ता न कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्ता। अर्थात न सृष्टि की कोई चर्चा है, न भक्त जनों की कोई चर्चा है, बोले और तो और अपने सुहृद सखा माता पिता आदि की भी बात श्याम सुंदर नहीं करते। तो निकुंज की सीमा में प्रियतम का, श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का जो स्वरूप है उसमें उनके वैभव का आदर्शन है, लेकिन अभाव नहीं है। जो चरणों में पड़ा है, जो समर्पित है, वो समर्पित है लेकिन समर्थ भी है। वो समर्थ होने के साथ साथ समर्पित है। इसीलिए महाप्रभु पहले क्या कहते हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, फिर कहते हैं दीन अपन पोमान। आप और मैं यदि यदि कुछ त्याग कर भी दे तो आपका और मेरा त्याग झूठा है, खोखला है। आपके और मेरे पास में है क्या त्याग करने के लिए? जो त्याग करेंगे वो वस्तुतः प्रथम ही उसका है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, ठाकुर जी कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं। सबसे पहले उसके धन का हरण करता हूं। तुम्हारे वृंदावन में एक महात्मा कथा कह रहे थे, बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत जी के कहते थे, तो एक सेठ जी बड़े प्रभावित हुए, उनसे बोले महाराज हम आपकी कथा कराएंगे और आपकी कथा का टीवी पर टेलीकास्ट भी कराएंगे। महात्मा जी भी प्रसन्न हो गए। संयोग से उसी दिन ये प्रसंग आ गया कि श्री कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं उसके धन का हरण कर लेते। कथा के बाद पहुंच गए सेठ जी, बोले महाराज हमको कथा नहीं करानी, आप जो बात कह रहे थे वो सच है? तो बोले व्यासपीठ से झूठ बोला जाता है क्या? सच है, बिल्कुल सच है। तो बोले महाराज फिर हमको आपकी कथा नहीं करानी। आपकी क्या, हमको किसी की कथा नहीं करानी, हमको कथा करानी नहीं। वही बात है, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि ठाकुर जी धन का हरण क्यों करेंगे,
वो तो उन्हीं का है, हरण तो पराई वस्तु का किया जाता है, वो तो उन्हीं का है। ठाकुर जी धन का हरण नहीं करते, ठाकुर जी धन के लोभ का हरण कर लेते हैं, लोभ की वृत्ति का हरण करते हैं। जब जीव पर कृपा करते हैं, जब जीव पर उनकी कृपा दृष्टि होती है, जब उनका अनुग्रह होता है, तब जीव के परिष्कार की क्रिया, उसके शोधन की प्रक्रिया आरंभ होती है। जब आपको अपना दोष दिखने लगे, समझना अब मुझ पर ठाकुर जी ने कृपा किया, अब मुझ पर ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हुई। आप देखिए इन नैनों से अष्टयाम प्रिया और प्रीतम का वो अद्भुत विहार देखने के उपरांत भी श्री धुलदास जी कहते हैं कि मोते नीच ना और को। इत बोना आकाश फल चाहत है मन मान, ताको एक कृपा बिना और जतन करना। और सबसे ऊंचो प्रेम फल कैसे पई होता है, सेवक होने की ओर ही संकेत वाणी कर रही है। मैंने कहा ना वाणी कुंजी है, आपको प्रत्येक रहस्य वाणी में मिलेगा। लेकिन वाणी में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसदा दिन रहे। ये नाम जो है ये आपके मन की भूमि को तैयार करता है, ये नाम भूमिका भी तैयार करता है, ये नाम ही है जो भाव के शिखर तक आपका आरोहण भी कराएगा। इसीलिए जैसे सारी श्री गीता जी में एक ही काम की बात है कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। उससे पहले काम की बात होती तो गीता जी विश्राम ले लेती, अर्जुन पूछते रहे, ठाकुर जी बताते रहे, लेकिन कहां विश्राम कहां मिला। जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा सब छोड़ और बस मेरी शरण में आ जा, ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज ने कृपा की, हित के वैभव विलास का दर्शन किया, अस्मदादि जीवों के आस्वादनार्थ उसको प्रकट भी कर दिया, गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग किए, उसको प्रकट भी कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना एक निजी विचार है, कोई आग्रह नहीं है, एक निजी विचार है कि जैसे प्रत्येक ग्रंथ का सारभूत एक सिद्धांत होता है, ऐसे श्री सेवक वाणी का सारभूत एक सिद्धांत है कि एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। आप कल विश्राम के समय मैंने एक बात निवेदन किया था कि प्रत्येक विचार का, आप जब किसी बात का चिंतन करते हैं तो आपके मन में एक घर्षण उत्पन्न होता है विचार से, जैसे दो पत्थरों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है ना, और कभी भी विचार अकेला नहीं आएगा, वो विचार अपने साथ शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव लेकर आएगा, और उनका जब घर्षण होता है तो एक विशेष प्रकार का अथवा क्षोभ अथवा आनंद मन में उत्पन्न होता है। हम सोचते सोचते हमारी सोच ही हमारा विचार बनती है और हमारी विचार ही हमारा व्यवहार बनती है। हम जो सोचते हैं हम कभी ना कभी वैसे हो जाते हैं, इसलिए हम मन से जिसका चिंतन करते हैं हम उसी के निकट होते हैं। आप मन से श्री सेवक वाणी के निकट होंगे तो श्री सेवक वाणी के प्रभाव स्वरूप, प्रताप स्वरूप, प्रसाद स्वरूप आपको एक ही बात मिलेगी, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप। श्री वाल्मीकि जी ने रामायण सार की रचना की, उनको शंकर जी से प्रसाद प्राप्त हुआ, तो 33 करोड़ श्लोक रामायण में है। देवताओं ने मांगा, ऋषियों ने मांगा, असुरों ने भी मांगा, शंकर जी सब देते गए। अनुष्टुप छंद में रामायण की रचना है, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, एक श्लोक शंकर जी ने अपने पास में रख लिया, बाकी सब बांट दिए। अब उस एक श्लोक पर भी दृष्टि थी देवताओं की, मनुष्यों की, असुरों की, बोले महाराज ये भी दे दो हमें, तो 32 अक्षर थे, शंकर जी ने 10-10 अक्षर उसमें से भी बांट दिए, केवल 2 अक्षर अपने पास रख लिए। बोले इस 33 करोड़ श्लोक की रामायण से 2 अक्षर तो मैं अपने पास रख सकता हूं। मुनियों ने कहा, बोले महाराज रख लीजिए लेकिन हमें बता दीजिए आपने अपने पास क्या रखा है।
शंकर जी ने भोले भंडारी हैं, शंकर जी ने रहस्य उद्घाटन कर दिया रा और म, बोले ये मेरा है बाकी सब ले जाओ। ऐसे श्री सेवक जी कहते हैं एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर। मैं तो कई बार चिंतन करता हूं कि देखिए हमारे पास वाणियां हैं, हमारे पास राधा वल्लभ लाल का नित्य दर्शन है, सेवन है, वृंदावन धाम है, रसिक जनों का संग है, इष्ट है, गुरु है, मंत्र है, रसिकों का संग है, सब कुछ है, फिर भी रसानुभूति नहीं होती। श्री सेवक जी महाराज को क्या मिला था? किसी के मुख से चर्चा सुन ली महाप्रभु की, मन का मुकुर, मन का दर्पण एकदम निर्मल था। चर्चा के माध्यम से, काम के माध्यम से जब वो बात हृदय तक गई, महाप्रभु जी का वो स्वरूप प्रतिबिंबित हो गया हृदय में, वो स्वरूप प्रकाशित हो गया हृदय में कि सेवक जी उसी पर बिन मोल बिक गए। और मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन में रहे। न सुना न देखा, किसी के मुख से चर्चा सुन ली। वृंदावन से एक संत मंडली पधारी थी, ये दो जन संग में रहकर श्री ठाकुर जी की और संत सेवा करते थे, श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी। गांव में संत पधारे हैं, किसी ने कहा कहां जाएं, तो बोले वो दो भैया बड़े संत सेवी हैं, उनकी कुटिया पे चले जाओ। मंडली पहुंच गई, वृंदावन से आए महाराज, आनंदित हो गए वृंदावन का नाम सुन के, चरण धोए, प्रसाद पवाया, फिर श्री चरणों में बैठ गए। बोले महाराज वृंदावन की कुछ चर्चा सुनाइए। संतों ने कहा कि धराधाम का सौभाग्य है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वसुंधरा पुण्यवती हो रही है जो नित्य निकुंज बिहारी बिहारिणी की वंशी, सोई कली प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। वो नाद ब्रह्मो की जननी, वो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देने वाली वंशी, धराधाम पर सशरीर आचार्य वपु धारण करके विराज रही है। वृंदावन के सुख और आनंद का वर्णन कौन कर सकता है, जस वर्णत हारे सरस्वती। सेवक जी को श्रवण करते करते एक भागवत की कथा वो है जो आप हम रोज सुनते हैं। अभी तो कुछ लोगों का आग्रह अधिक हो गया तो एक आध दो कथा टीवी पर आने लगी, आगे भी आएगी, पर पहले मुझसे कोई पूछता था ना, बोले महाराज आपकी कथा संस्कार पे नहीं आती, तो मुझे लगता है कथा संस्कार पे आए या ना आए, कथा में संस्कार जरूर आना चाहिए। कथा किसी आस्था चैनल पर प्रदर्शन करे ना करे, लेकिन कथा के माध्यम से आपके हृदय तक आस्था बलवती अवश्य होनी चाहिए। साहब एक बात चलते चलते निवेदन करूंगा कि भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं, और इन दोनों के बीच में बड़ी एक सूक्ष्म सी रेखा है, इट्स अ वेरी थिन लाइन। कब दर्शन प्रदर्शन बन जाता है पता भी नहीं चलता। लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। महाप्रभु कहते हैं कि मुझे वैकुंठ के भी उस वैभव से क्या लेना देना है, यत्र मे नास्ति राधा, जहां मेरी राधा नहीं है। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। महाप्रभु चाहते सोने का मंदिर बना लेते, पर महाप्रभु को कैसा मंदिर प्रिय है, देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लताल रचो मदन आगार। चतुरासी का एक एक शब्द आप देखिए, न वर्णन करने योग्य बात महाप्रभु ने वर्णन की, न कहने योग्य कहा, न देखने योग्य बात दिखा दी, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। जबकि रस ऐसा है कि इसको अपने मन से भी छिपा कर रखना चाहिए। एक बार हमारे रसिक पदरेणु श्री हिद्दास जी महाराज गीता प्रेस गए, गीता वाटिका में गए, वहां राधे बाबा भजन करते थे, भजनानंदी महापुरुष थे, दर्शन करने के लिए गए,
भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से पूछा, बोले महाराज बाबा का दर्शन करना है। बोले महाराज बाबा मौन में रहते हैं, आप वृंदावन से पधारे हैं? भाई जी महाराज जी का सम्मान करते थे। बोले आप वृंदावन से आए हैं, आप 5 मिनट से अधिक वहां रुकिएगा मत, बस प्रणाम करके आ जाइएगा। बोले महाराज 5 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, आपने दर्शन करने की आज्ञा दे दी, बहुत है। पहुंच गए कुटिया में तो राधे बाबा, अगर बहुत आवश्यक कुछ होता था तो स्लेट पर लिखकर बात कर लेते थे। बातचीत आरंभ हुई, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, बाबा कुटिया से बाहर नहीं निकले। भाई जी को चिंता हुई, बोले एक तो वृंदावन से आए और दूसरे राधा वल्लभी हैं, झगड़ा ही नहीं हो गया हो कहीं? हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, बोले राधा वल्लभी कौन है? बोले बिगड़े हुए रईस हैं। जैसे माता अपने बालक को जब दूध पिलाती है, दूध पीते पीते बालक जो है वो मां के पेट में लात मार देता है, मां को बुरा नहीं लगता। अली किशोरी कहते, बोले प्रिया जी के चरणों के बल पे तो हम श्याम सुंदर को भी ठेंगा दिखा देते हैं। व्यास जी की वाणी है, बोले सुबह को गोरी के गोरे पाई, जाकी नूपुर धुनी पे मुरली वारों, जावक पे ब्रजराई। प्रिया जी के श्री चरणारविंद पे जो अलग तक रचना हुई है, क्या व्यास जी के मन में आता है? बोले मैं तो इसी पर श्याम सुंदर को न्यौछावर कर देता हूं, ताकि नूपुर धुनी पे मुरली वारों, जावक पे ब्रजराई। राधिका सम नागरी, नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी नारी, वरुण ओक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी प्यारी जू के रोम ऊपर डारो सब वारी। व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहे, सब है राक्षस प्रेत। तो किसी ने कहा, बोले गाली काई को देते हो, हम फला तीर्थ पर रहते हैं, हम अमुक तीर्थ पर भजन करते हैं, चलो तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, पर हमको गाली काई को देते हो? वृंदावन तज जे सुख चाहे, सब है राक्षस प्रेत। व्यास जी कहते, मैं नहीं देता, व्यास दास के हिये में बैठा मोहन कह कह देते। बोले मेरे हृदय में बैठा अंतर्यामी बोलता है, मैं क्या करूं, मैं तो कलम हूं, लिखने वाला कोई और है। तो 1.5 घंटा हुआ, भाई जी को चिंता हुई, वो पहुंचे कुटिया में, गए तो अभी बातचीत चल ही रही थी। भाई जी को आया देखा, महाराज ने सोचा चलो प्रणाम निवेदन करके चलना चाहिए। जाते जाते श्री राधे बाबा ने कहा कि अच्छा कोई पद आप सुना दीजिए, आप वृंदावन से आए हैं, कोई पद आप सुनाइए। तो श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, बोले बाबा पहले आप सुनाइए। ये एक योग्यता होती है कि वो कैसा पद सुनाते हैं, इससे उस संत की मनस्थिति का पता चल जाएगा, उसके अनुकूल उसके अनुरूप बात करनी चाहिए। संत भजन करता हो, उसकी बात करने की इच्छा ना हो तो अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। संत का मौन भी आशीर्वाद होता है, गुरु का सानिध्य अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। सब बात शब्द से ही प्रकट नहीं होती, सब बातों में शब्द की आवश्यकता नहीं होती। तो राधे बाबा ने एक पद गाया, आज तो नागरी रंग भरी डोले, और इस पद की अंतिम पंक्ति है, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोले। लेकिन राधे बाबा ने संकोचवश ये पंक्ति लिखी नहीं और रिक्त स्थान छोड़ दिया। आज्ञा दी श्री हरिदास बाबा को कि अब आप गाइए, सुबह का समय रहा होगा इस मिलन का। तो श्री हरिदास जी महाराज ने पद गाया, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल। पद पूरा हुआ, महाराज प्रणाम करके चलने लगे। बाबा ने कहा कि हमारी आपसे एक विनती है, स्लेट पर लिखकर बोले। बोले आज्ञा दीजिए। बोले आप ये पद खुले में मत गाया कीजिए। हरिदास महाराज ने कहा, बोले बाबा आप हमारे प्राण ले लें वो तो हम दे देंगे, लेकिन आपको ये वचन नहीं दे सकते। बोले आप खुले में गाने की बात करते हैं, हमारे वृंदावन में तो ये पद बड़े बड़े माइक लगाकर गाए जाते हैं। जो न कहने योग्य है, जो नहीं देखने योग्य है, जिसमें जीव का कतई अधिकार नहीं है, वो वृंदावन की कृपा से संभव हो जाता है, वो वृंदावन की कृपा से प्रत्यक्ष हो जाता है, वो वृंदावन की कृपा से प्रकट हो जाता है। कभी महाप्रभु कहते हैं, यद वृंदावन मात्र गोचर महो, अनुभव महो नहीं, गोचर महो, इन आंखों से दिखाई पड़ता है। श्री नागरीदास जी कहते हैं, मनहू की जहां गति नहीं, बोले जहां मन की गति भी नहीं, तहां निकासे गात,
बोले वहां ये शरीर पहुंच जाता है। हमारे चाचा श्री वृंदावन दास जी प्रियालाल की केली गान करते करते सशरीर निकुंज धाम पहुंचे। मनु की जहां गति नहीं, वैभवता में सब अरुझाने, नित्य बिहारी नहीं पहचाने, जो बड़े बड़ों के परिचय में नहीं आते, वहां कोई इस भूलोक से, इस धराधाम से सशरीर जाता है, ये क्या है? ये वृंदावन धाम की और श्री हरिवंश नाम की अद्भुत महिमा है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन 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 वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और जैसे श्री महाप्रभु जी कहते हैं ना, किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे, कि जन्म जन्मांतर भी मुझे यही आशा और यही अभिलाषा रहे। हमको भी प्रिया जी के श्री चरणों में यही कहना है, लाडली सेवा में लीजो किशोरी मुहे वृंदावन दीजो, किशोरी विनय मान लीजो स्वामी चरण रख लीजो, जन छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, लाडली तिहारे राधे राधे गाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे राधे राधे गाऊं, तेरी छवि में छकी रहूं बस तेरी ही हो जाऊं, तेरी छवि में छकी रहूं बस तेरी ही हो जाऊं, किशोरी मोहे चरण रख लीजो लाडली वृंदावन दीजो, जल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, स्वामिनी अपनी कर लीजो लाडली सेवा में लीजो, जल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के प्रेम से, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
बड़ी भाई राधा प्यारी राधा बड़ी राधा मामिनी चरण रख दीजो किशोरी विनय मान लीजो तो कोई सेवक होकर श्री हरिवंश नाम ले तो केवल एक ही प्रभाव है, एक ही प्रताप है और एक ही प्रसाद भी है कि श्री राधा जुग चरण प्रीत उपजे अति भारी। प्रिया जी के श्री चरणारविंद की कोई अद्भुत चमत्कारिणी भक्ति हृदय में प्रादुर्भूत होती। यस्या प्रेम घनाकृते पदनखजोत्सना भरस्नापित स्वांताराम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। कोई चमत्कारिणी भक्ति स्वयंभू आगम में शंकर जी का एक उक्त श्लोक है, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव तस्मात् कोटि गुणोज्वलश्च मधुर श्री गोकुलेन्द्रो रस तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानाम परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। जिसको श्री ध्रुवदास जी ने सीधे शब्दों में यह कह दिया कि ये रस सार को सार बिरला कोई एक जाने समझे याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ना, देखो माई सुंदरता की सीमा, प्रेमोल्लास एक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। और फिर कहते हैं साराधा सौख्य सीमा, सीमा है उससे परे और कुछ नहीं है, वो अंतिम परिणति है। और श्री हिरजी महाराज की कृपा देखिए कि बिना प्रयास के केवल इस रस का आस्वादन करना है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, लेकिन वो दृष्टि प्राप्त कैसे होती है? वृंदावन की सीमा में तो साफ तीनों लोकों का जो चूड़ामणि है, जो परात्पर परब्रह्म है। आप हमारे रसिक संप्रदाय की परिपाटी के अनुरूप अनुकूल अगर कभी श्री रासलीला अनुकरण का दर्शन करें तो आप उसमें देखते हैं कि जो ठाकुर जी का मुकुट है वो प्रिया जी के चरणों की ओर झुका होता है। मुकुट क्या होता है? मुकुट प्रतीक होता है ऐश्वर्य का, वैभव का। एक एक चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट से पता चलता है कि चक्रवर्ती सम्राट है। मुकुट को प्रिया जी के श्री चरणारविंद में झुकाने का यही तात्पर्य है कि इस वृंदावन की सीमा में सकल लोग चूड़ामणि भी अपना मुकुट अर्थात अपना समस्त वैभव झुका कर आते हैं, तब रस पाते हैं। हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चाल। फिर निवेदन करूंगा वही बात कि रस की प्राप्ति किसी को जीत कर नहीं होती, किसी के लिए अपना सर्वस्व हार कर होती है। किसी ने कहा है, न किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया।